पीछे खड़ी है ऑल न्यू BMW S1000 RR। हर एक किसी की ड्रीम बाइक होती है। 20,90,000 रुपए एक शोरूम प्राइस आता है इस बाइक को खरीदने के लिए। मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो, क्या क्या फीचर आते हैं, टॉप स्पीड कितनी, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थॉट लाइन। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो दिस इज दी ऑल न्यू BMW S1000 RR। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। लेटेस्ट ब्रांड न्यू वेरिएंट है, स्टैंडर्ड वेरिएंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, 20,90,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड लगभग आप समझ लो 24-25 के आसपास पड़ जाएगा जयपुर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। बट मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ 20,90,000 रुपए, दैट इज द एक शोरूम प्राइस। एंड दिस इज हाउ दिस बाइक लुक्स लाइक। एक बार मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ इस बाइक का। बाइक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर जो है आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा इस बाइक को खरीदने के लिए, कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट BMW S1000 RR लुक्स लाइक। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशंस के साथ आराम से बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिलेगा, BMW कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स, अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पर जो है आपको फाइबर में फ्रंट फेंडर देखने को मिलेगा, विंगलेट्स आते हैं बाइक के अंदर। आप फ्रंट लुक देख सकते हो कितना प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट जो है LED हेडलाइट क्लस्टर आपको देखने को मिलती है। दिस इज द फ्रंट लुक RR की। यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी राइट साइड में। ओवरऑल यहाँ पर आपको छोटा सा BMW का एक लोगो भी देखने को मिलेगा। इसकी विंडस्क्रीन पर अगर मैं बात करूँ, बबल वाइजर ओवरऑल आपको देखने को मिलता है बाइक के अंदर। एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लोगो देखने को मिलता है S1000 RR में BMW का। एंड जो विंगलेट्स है ना, ये नीचे वाले बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लुक देते हैं इस बाइक को। पहले जो ये विंगलेट्स नहीं आया करते थे, अब ये लेटेस्ट वेरियंट इसके अंदर एड हुए हैं विंगलेट्स। सो दिस इज हाउ दिस S1000 RR लुक्स लाइक। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, कम्स विद बबल वाइजर्स एट द लेफ्ट, यू गेट दिस जॉयस्टिक। यहाँ पर जो है आपको DTC भी देखने को मिलता है, विच इज साथ में हैजार्ड लाइट, हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर हॉर्न। सबसे पहले जो है इस बाइक का एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, बिकॉज एग्जॉस्ट नोट बहुत ही क्लासी है इस बाइक का। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड क्रैंक द मोटर। कुछ इस प्रकार से एग्जॉस्ट नोट था, दैट वाज सुपर किलर। एक बार मैं आपको सारी लाइट्स वगैरह दिखाता हूँ इस बाइक के अंदर। दिस इज द टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड इन सिंगल यूनिट। कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रंट के अंदर, फ्रंट के अंदर दिस इज हाउ दिस कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर लुक्स लाइक। नॉमिनल आईज, बहुत अल्टीमेट लगती है। इंडिकेटर्स जो है यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर्स पे ही देखने को मिलते हैं आपको। साथ में यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको राइडिंग मोड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसको आप पूरा इस मेन्यू में जाके टॉगल कर सकते हो। एंड फ्रॉम द रियर दिस बाइक लुक्स फिनोमिनल। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा एक बल्कियर, एक बीफियर बाइक लगती है। बाकी काफ़ी हैवियर साइड पे बाइक है, हल्की नहीं है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है इस बाइक को चलाना। बाकी मिशलिन के टायर आपको रियर में अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ओवरऑल बेस्ट इन क्लास टायर की क्वालिटी देखने को मिलती है। 190/55 सेक्शन का टायर है। एंड जो व्हील है 17 इंच का आता है, ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं, डिस्क ब्रेक्स आते हैं, बेस्ट इन क्लास ब्रेकिंग सिस्टम आती है, डुअल चैनल ब्रेकिंग सिस्टम, सुपर मोटो, ट्रैक्शन कंट्रोल, रैपिड वायर थ्रॉटल, स्लिपर क्लच, राइडिंग मोड्स, ABS, कॉर्नरिंग ABS, मतलब आप नाम लो फीचर्स बाइक के अंदर है। बाकी साइड एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था। एंड 190 सेक्शन का वाइट टायर देखो कितना शानदार लगता है। सो इंजन के बारे में बात करें, इनलाइन फोर सिलेंडर
1000 सीसी इंजन देखने को मिलता है। सिंगल सीटर बाइक है यहाँ पर। रियर सीट जो है आपको काफी छोटी सी और क्यूट सी देखने को मिलती है। की के बारे में बात करें तो इसकी की और G310RR की जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। ये सेम आपको ही BMW का लोगो देखने को मिलता है दोनों की में, बट इसकी की का डिजाइन काफी डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू द G310RR की। सो दिस इज द S1000RR, द मोस्ट लोडेड S1000 बाइक, आई मीन 1000 सीसी बाइक। बाकी इसके अंदर वेरियंट और बहुत सारे आते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो भाई M1000RR आता है, विच इज़ वे एक्सपेंसिव, बहुत अल्टीमेट बाइक है। बाकी हैवियर साइड पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगी, टिक टिक देखने को मिलती है। बाकी ट्रैक फोकस मशीन है, ट्रैक पर चलाने के लिए, डेली ट्रैवलिंग टूरिंग के लिए नहीं है। दिस इज़ अ फन बाइक, अगर आपको बहुत शानदार पावरफुल बाइक चाहिए मजे करने के लिए तो आई थिंक दिस इज़ दी परफेक्ट बाइक यू कैन फाइंड आउट इन इंडियन मार्केट। लुक बहुत अल्टीमेट आता है। RR की हमारे पीछे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है, विच इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रैक रेसिंग। बाकी यहाँ पर बात करें क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लेपर, सब कुछ इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अल्टीमेट आती है, स्विंग आर्म आप देख सकते हो। क्वालिटी इज टॉप नॉच ऑन दिस बाइक। फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सेटअप, विंगलेट्स आप देख सकते हो कितने अल्टीमेट देखने को मिल रहे हैं। रिवर्स एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन सिस्टम इज एडजस्टेबल। फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक सुपर ऑसम। ओवरऑल बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट है इस बाइक का। S1000RR इस बाइक का नाम है। लुक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द BMW S1000RR। इसकी जगह और भी दूसरी बाइक्स आती हैं BMW की, लाइक F900XR। दिस इज द ऑल न्यू R1300GS लेटेस्ट लॉन्च। इसके अंदर एक ट्रिपल ब्लैक आपको देखने को मिलता है। कलर एक स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आई थिंक ट्रिपल ब्लैक। दिस इज अ बॉक्सर इंजन, शाफ्ट ड्रिवन बाइक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये शाफ्ट से चलती है, इसमें चेन नहीं चलती है, दिस इज प्रॉपर मैकेनिकल शाफ्ट। बाकी यहाँ पर जो है आपको पूरा चेन ड्राइव यहाँ पर देखने को मिलेगी S1000RR के अंदर। So this is the BMW S1000RR। अब इस बाइक को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी लगभग 90,000 रुपये से 1,00,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके एटलीस्ट यहाँ पर जो है 15 से 16 लाख रुपए की ITR होनी चाहिए पर annum की। यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप 20% का डाउन पेमेंट देते हो और बाकी का आप लोन कराते हो, और अगर आप 5 साल का लोन कराते हो लगभग 8% पर annum फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी EMI लगभग 47,000 रुपीज़ आती है 5 ईयर्स के लिए। सो लगभग अगर आप 20 लाख का लोन लेते हो तो आपकी 47,000 रुपीज़ EMI आएगी, एंड कुछ इस प्रकार से जो है आपको EMI डाउन पेमेंट देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली बाइक खरीदना ही सब कुछ नहीं होता, उसे पालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लगभग आपकी 1,00,000 रुपए के आसपास जो है सैलरी होनी चाहिए इस बाइक को इजीली मेंटेन करने के लिए, एंड दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आउट देयर इन इंडियन मार्केट। इट वाज ऑल अबाउट द BMW S1000RR। आप कैसी लगी ये बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।